हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने चाह रही हूँ, जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू दे रही हूँ, वो प्रोडक्ट मुझे लिए हुए मतलब मेरी बेबी जो है खुशी, वो 2 मंथ्स की थी तब मैंने वो प्रोडक्ट लिया था। कई लोग होते हैं कि जैसे ही आता है अनबॉक्सिंग करके वो प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं, बट मैंने भी सोचा था रिव्यू दूंगी, लेकिन पहले उसको मैं यूज़ कर लूँ कि कैसे मेरे बेबी मतलब उसमें अगर कन्वीनियंट है, अगर वो मेरे यूज़ का है तो मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी। तो अभी मैं उसका रिव्यू देने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज क्योंकि वो मेरे बहुत काम आया है, मतलब बहुत यूज़फुल रहा है मेरे लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट आपको वो प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जिस प्रोडक्ट का मैं बात कर रही हूँ। वो तो आप थंबनेल में देख ही लोगे, ये रॉकिंग चेयर। इसका मैं अलग से, और अच्छे से ये थोड़ा सा गंदा हो गया है तो इसका मैं अलग से वीडियो इसमें डाल दूंगी। और उसके साथ ये ट्रे आता है जिसको इजीली असेंबल करना हो जाता है, सॉरी मतलब जिसको इजीली आप असेंबल कर सकते हो इसके साथ। और इस चेयर को भी असेंबल करना एकदम इजी है, मतलब 5 मिनट लगेंगे इसको असेंबल करने का। और इसमें जो भी आपको सब कुछ दिया जाता है, आपको कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, सब कुछ इस जो चेयर देता है, जो जहाँ से भी आप लोगे। मैंने अमेजोन से ली थी, मतलब मेरी बेबी 2 मंथ्स की थी तब मैंने ये ली, मतलब हाँ 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की थी तब मैंने ये परचेस किया था, ये रॉकिंग चेयर। इसको रॉकिंग चेयर बोलते हैं। इससे बच्चा मैक्सिमम 1 आवर और 2 आवर दिन में, जैसे न्यू बॉर्न होता है वो बार बार सोता है, मतलब वो हर 2 घंटे के बाद सोएगा बच्चा, तो उसके लिए आपको चाहिए कि बच्चा नीचे नहीं सोता है, मतलब आप अपने गोदी से अगर नीचे रखते हो बच्चे को तो बच्चा जल्दी से उस पे बेड पे नहीं सोता है। तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत स्ट्रगल हो रहा था, तो इसमें मैं रख देती थी बेबी को, वो आराम से 1 घंटा सो जाती थी। फिर वो थोड़ा सा भी अगर हिलती डुलती तो मैं इसको हिला देती थी, ऐसे मैं इसको हिला देती थी, सॉरी मेरा कैमरा भी हिल गया, इसको मैं हिला देती थी तो वो भी उसके बाद वो सो जाती थी। ये मैंने रात के लिए नहीं लिया था, इसमें देखिए इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। इसका जो ऊपर का आता है इसको साइड से निकाल के, इसमें बटन फिट होता है, इसमें फिट होता है, इसको निकाल के मैंने कितना बार इसको वॉश किया है। और इसमें ये बेल्ट दिया जाता है, इससे आप बच्चे को वो बच्चा गिरे नहीं, स्लिप नहीं हो, इसमें ये बेल्ट दिया जाता है। तो मैं तो बोलूँगी जिसके घर में बहुत सारे लोग हैं तो उसको तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई बच्चे को देख सकता है। और जब बच्चा ऐसे क्रोल करता है, बच्चा मतलब बेड पे से गिरने वाला होता है, तभी भी आप बच्चे को एक बार इसमें रख के जा सकते हो कोई काम है तो। मेरे को भी अगर काम रहता था 5 मिनट 10 मिनट का तो मैं इसमें बच्चे को रख के चली जाती थी, तो मेरे को वो 5-10 मिनट आराम से बैठ मतलब इसमें लेटी रहती थी, बैठती थी। और ये ट्रे है और मैं ये ट्रे लगा के इसमें रख के चली जाती थी। ट्रे लगाना भी बहुत ईजी है, इसको आप ऐसे फिट कर दो, डायरेक्ट लग गई ये ट्रे, लग गई देखो ये ट्रे लग गई। इसमें मैं बहुत सारे टॉयज दे देती थी तो वो खेलती थी। इस मैंने व्लॉग्स में भी डाला होगा, बहुत सारे व्लॉग्स मैंने इसके साथ उसका वीडियो सब डाला होगा, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं टॉयज खाने का सामान कुछ कुछ डाल देती हूँ तो वो खाती भी है और वो खेलती भी है। अभी मैंने फिर बीच में मतलब वो 1 ईयर से थोड़ा सा पहले वो इसको रख दिया था, वापस मैंने निकाला है, तो वो अब इसमें खुद चला के बैठती है, खुद चल के बैठती है, लेटती है, खुद खेलती है इस पर। तो ये अभी तक मेरे यूज आ रहा है, मतलब मेरी बेटी 1.5 से थोड़ी सी ऊपर ही, मतलब 1.5 साल का ही अप्रोक्स आप मान लो, तो ये प्रोडक्ट मेरे को अभी तक यूज आ रहा है। तो ये आप अगर लेना चाहते हो तो प्लीज जरूर ले, बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है ये। लिंक अगर मेरे को मिलेगा, मैंने बहुत पहले लिया था तो फिर भी अगर मेरे को लिंक मिलेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आपका बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मतलब बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है, भाग रहा है, थोड़ी देर आप इसमें बैठा दो बच्चे को, बच्चा आराम से अपना मतलब इंजॉय करता है, इसमें खेलता है, लेटे रहता है। मेरी बच्ची जब क्रोलिंग करती है तो वो बहुत इधर उधर जाती थी, वॉशरूम वॉशरूम में चली जाती है, तो मेरे को अगर कोई काम रहता था किचन में, ऑब्वियसली हाउस वाइफ्स को बहुत सारे काम होते हैं, तो जब मेरे को बहुत सारे काम होते थे तो मैं उसमें इसमें बच्ची को छोड़ देती थी, तो वो 10 मिनट आराम से लेटी रहती थी, तब तक मैं अपना कोई काम किचन का कर लेती थी फटाफट से। क्योंकि अगर आप सिंगल हो तो आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर लेना चाहिए, मतलब मैं तो बोलूँगी, रिकमेंड करूँगी, पक्का ही ले ही लो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, तो अगर आपको यूज़फुल लगे, मतलब आप क्योंकि मेरे को अकेले संभालना था बच्चे को, इसलिए मेरे को ये प्रोडक्ट लेना पड़ा। अगर आपके घर में और बहुत सारे लोग हैं तब आप ये प्रोडक्ट मत लो,
तब कोई भी बच्चे को गोद में ले सकता है, बच्चा रो रहा है तो सो के उठ गया तो कोई भी बच्चे को ले लिया, खिला लिया, तो उसमें आपको ये प्रोडक्ट पे पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्राइस भी बता देती हूँ इसका। इसका प्राइस था 3,000 कुछ था, वो लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में अगर मेरे को मिलेगा तो। तो मेरे को एक बार तो डर लग रहा था कि क्या मैं ये प्रोडक्ट लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि बच्चे को भी मतलब हम लोग को पता नहीं होता बच्चा वो जल्दी से अडप्ट करेगा चीज़, जल्दी से उसको एक्सेप्ट करेगा कि वो सोएगी कि नहीं सोएगी। उस पर 3,000 मैं खर्च तो कर रही हूँ अपना, मतलब 3,000 कम पैसे नहीं होते, 3,000 बच्चे के, मतलब मेरे को ऐसा रहता है कि कोई प्रोडक्ट यूज़ हो तो ही मैं लूँ, कि मेरे को 1-1.5 साल तक यूज़ हो तो ही मैं उतना स्पेंड करती हूँ पैसा किसी चीज़ में। तो मेरे को एक बार तो डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही फर्स्ट डे मैंने जब इस बच्चे को अपने खुशी, जो मेरी क्यूट सी डॉटर है, वो आप व्लॉग में भी देखते होंगे, जब मैंने क्या बोलते हैं, ये रॉकिंग चेयर पे उसको लेटाया, वैसे ही वो सो गई, वैसे ही जस्ट वो सो गई इस पे। तो मेरा फर्स्ट डे से एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा, इस चेयर के साथ। इसमें ये नीचे ये दिया रहता है, ये पहले तो अगर इसको हटा दो तो ये रॉक करता रहता है ऐसे दोनों तरफ से, इसको ऐसे हटा दो तो ये रॉक करता है और इसको ऐसे लगा दो तो ये स्टेबल रहता है, ऐसे बच्चा गिरने का चांस नहीं रहता है। ये ऊपर उठ जाता है जब बच्चा सो जाए, या फिर बच्चा जब ज़्यादा मस्ती करने, जैसे मेरी बेटी अभी है तो वो बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, अब उसको वो रॉकिंग अब उसको नहीं नीड है, तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ऐसे मतलब स्टेबल करती, ये लगा के ही रखती हूँ अब मैं। और इसमें ये म्यूजिक वाला देता है सिस्टम, अभी तो मैंने बैटरी निकाली हुई है क्योंकि अब जितना उसका बैटरी का यूज़ था मैंने किया, और मैंने फिर बैटरी नहीं लगाई क्योंकि अब वो ज़्यादा अब अपना खेलती है, बैठती है, लेटती है, उसको अब इसकी नीड नहीं है। तो ये ऐसे बटन दबता है, इसमें म्यूजिक आता है और वाइब्रेट होता है, एक बार ऐसे दबाओगे तो म्यूजिक बजेगा, ऐसे दबाओगे तो वाइब्रेट होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, म्यूजिक का आवाज़ बहुत स्लो आता है, वाइब्रेट भी हल्का सा होता है। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये प्रोडक्ट हेल्पफुल लगे तो आप ज़रूर ऑर्डर करें, और मैंने यूज़ के बाद इसका रिव्यू देना सही समझा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं तुरंत रिव्यू क्यों दूँ जब मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं इस प्रोडक्ट का क्या यूज़ है क्या नहीं, कितना मैं यूज़ कर पाऊँगी, इसलिए मैंने उस टाइम रिव्यू नहीं दिया। अब मैं रिव्यू दे रही हूँ। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट भी, अगर आप लो आपको कुछ प्रॉब्लम हो कि कैसे क्या करना है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ भी सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको सही लगे तो। तो आज के लिए यही, होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, बाय। And 3, 2, 1.